मॉनसून काफी एडवांस कर चुकी है और हमारी उम्मीद है अगले 3 से 4 दिन में मॉनसून और एडवांस करेगी ईस्ट सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में, यानी कि छत्तीसगढ़, ईस्ट मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, ईस्ट उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, झारखंड, बिहार, बंगाल, इन सभी राज्यों में मॉनसून एडवांस का स्थिति पैदा होगी। इसके चलते हमारे इन सभी राज्यों में ह्यूमिडिटी बढ़ गया है और हीटवेव का स्थिति निकल चुकी है। थोड़ा बहुत हीटवेव अभी भी आज भी रिकॉर्ड किया गया है आपका वेस्टर्न हिमालयन रीजन और नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, मगर हीटवेव का स्थिति काफी निकल चुकी है। मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्योंकि पश्चिम विक्षोभ के रिलेटेड था, वो आज के बाद से कल से हटने का उम्मीद है, जिसके चलते दोबारा टेम्परेचर परसों से बढ़ने का उम्मीद है। 2 से 3 डिग्री बढ़ने से उम्मीद नहीं है कि अभी हीटवेव का स्थिति दोबारा पैदा होगा, मगर उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश स्पेशली आपका 5 दिन तक हीटवेव का स्थिति जारी रहेगी। एक दो इलाके में जस्ट आई सिंपल हीटवेव का स्थिति ईस्ट उत्तर प्रदेश में आज के बाद से खत्म हो जाएगी। पंजाब हरियाणा में कोई हीटवेव का भी वार्निंग नहीं दे रहे हम, आगे हम देखते रहेंगे क्योंकि पश्चिम विक्षोभ निकल तो रहे मगर साथ ही साथ ईस्टर्लीज भी स्ट्रेंथन हो रही है, तो आगे जैसे मौसम का स्थिति रहेगा हम उसी हिसाब से हीटवेव का अलर्ट भी जारी करेंगे। क्या सिचुएशन है उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो? कोस्टल एरियाज का बात करें तो वेस्ट कोस्ट में अभी हमारा विंड्स बहुत स्ट्रांग है, इसके चलते भारी से अति भारी वर्षा मेनली आपका कोंकण, गोवा, कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका और केरल में अति भारी वर्षा होने का पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 3 से 4 दिन। और ईस्ट कोस्ट में खास, आपको जैसे पता है साउथ ईस्ट कोस्ट में ज्यादा बारिश होती नहीं है एक्टिव मॉनसून के दौरान, मगर नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट जहां पर आपका उड़ीसा, बंगाल, बिहार, इन सभी राज्यों में भी मॉइस्चर बढ़ रही है, बारिश भी बढ़ेगी और मॉनसून धीरे धीरे इन सभी जगह में एडवांस करने का स्थिति नजर में आ रहा है अगले 3 से 4 दिन में। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो क्या कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में मौसम, हालांकि आज ठंडा हुआ है कल के मुताबिक, जैसे मैंने बताया ये प्री मॉनसून शावर्स हैं, इसका प्रभाव आज के बाद से कम होने का संभावना है, मगर आगे आगे थोड़ा ईस्टर्लीज आएगा उससे शायद टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मगर फिर भी नॉर्मल्स के मद्देनजर रखते हुए 23rd-24th को आइसोलेटेड हीट वेव होने का चांसेस है दिल्ली में, और उसके बाद से जो स्थिति बनेगा हम जरूर आपको बताते हैं। आजकल में बारिश हो सकती है जी, जरूर आज भी आपका थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की पॉसिबिलिटी है।